सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑप्टिमस गेमिंग। और आज के इस वीडियो में सोलो रैंक से रिलेटेड टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना, अगर पसंद आए तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको इसी टाइप के वीडियोज चाहिए तो सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। और यार 14 दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूँ तो कोई टॉपिक दो, आप लोगों के टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा क्योंकि कोई टॉपिक नहीं मिल रहा। और ये वाला वीडियो आप अगर पूरा देखते हो तो आपका 70% में चांस है कि आप टॉप 10 में पहुँच जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रिक है हमारा बेस्ट करेक्टर कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे जिसके पास आलोक नहीं है वो यूज़ करेंगे हयात, तो साथ में एक्टिव स्किल में आप यूज़ कर सकते हो वुकॉन्ग का स्किल, और नहीं यूज़ करना है तो या तो आप साफ सुटर यूज़ कर सकते हो या तो आपका एंड्रू का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दो आपका फिक्स रहेगा, आपको देख सकते हो यहाँ पे आर्मर डीलिंग का, जो कि 180 ARMO आपको दे देंगे फ्री में, मतलब स्पेस नहीं लगेगा बैग में। और साथ में यूज़ कर सकते हो आप डैश, जो कि कैली का एबिलिटी है, और ये अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इसके साथ छेड़खानी कर सकते हो आप एक्टिव स्किल के साथ, बस पैसिव स्किल वही रखना। और जिसके पास आलोक है वो तो एक्टिव स्किल आलोक ही रखेंगे, बट यहाँ पे आपको पैसिव स्किल में रखना है डैश, और ARMO वाला जो करेक्टर है अपना आर्मर डीलिंग वो रख लेना। और लास्ट करेक्टर के साथ आप छेड़खानी कर सकते हो, या तो मोगो रख सकते हो या तो बुसिदो रख सकते हो, या आप रख सकते हो ये आपका आर्मर स्पेक्टेटर, मतलब वो जो है अपना एंड्रू का, तो ये तीनों आप रख सकते हो। एंड लास्ट में गाइस आप स्कैन यूज़ करना, और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो बॉन फायर या बाउंटी अगर आप किल कर पाओगे तो, ओके। और यहाँ पे आप चलते हैं सेकंड नंबर के ट्रिक पे, तो सेकंड नंबर का ट्रिक है हमारा लैंडिंग। तो लैंडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने ये छोटा सा मैप पे डिज़ाइन किया, देख सकते हो जहाँ पे ग्रीन मार्क है वहाँ पे आप जा सकते हो जैसे प्लेन गया उसके हिसाब से। और अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए पूरी डिटेल में कि कैसे जहाँ से प्लेन जाए वहाँ से कैसे हम लैंड करें जहाँ पे हमारा बेस्ट हो एकदम ही, मतलब कोई ना आए, कोई एनिमी वहाँ पे ना आए इस टाइप के, तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो यहाँ पे मैं उतर चुका हूँ, देख सकते हो गाइस लैंड कर चुका हूँ मतलब यहाँ पे मैं, और बहुत ही बढ़िया, कोई नहीं आया यहाँ पे तो आराम से मैं लूट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट पे डालने वाला था लूट, बट लूट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप थोड़ा सा लूट करने के बाद भी आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा लूट करेंगे उसके बाद आगे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पार्ट स्किप किया है, तो स्किप करके दिखाता हूँ आपको मैं थोड़ा सा, तो उतना ज़्यादा अच्छा लूट नहीं करूँगा मैं, पहले बता देता हूँ। आप लोगों को बोलते हो कि हमारे पास अच्छा लूट नहीं होता, तो मैं लूट नहीं किया, थोड़ा ही बहुत लूट किया देख सकते हो। उसके बाद गाइस जो थर्ड पॉइंट आता है वो हमारा है जोन प्रिडिक्शन, और जोन प्रिडिक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो जोन प्रिडिक्शन कैसे करना है उसके लिए आपको थोड़ा सा स्किल लगेगा, मतलब थोड़ा सा आपको लेवल आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो ये देख सकते हो इस टाइप से जोन आया है, तो मैं थोड़ा सा जूम करके देख रहा हूँ कि कहाँ पे आ सकता है जोन, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जोन आएगा जो कि अपना सीमेंटेड हाउस पे, और पीक के जो नीचे में सीमेंटेड हाउस है दो घर है जहाँ पे, वहाँ पे जोन आएगा। तो अभी मुझको वहाँ पे जाके बैठना है, तो ये मैंने जोन प्रिडिक्शन किया, अब देखते हैं कि जोन सही आता है या नहीं। अगर आपका जोन प्रिडिक्शन बहुत ही अच्छा होता है तो आप मतलब 50% चांस हो जाते हैं कि आप टॉप 10 में तो ईजी आ सकते हो अगर आप सही से जोन प्रिडिक्ट कर पाओ तो, ठीक है। सो वहाँ पर आपका 50% गेम वही बन जाता है। सो देख सकते हो यहाँ पे सामने बंदा था, बट मैंने उसको थोड़ा सा भी नहीं चढ़ा क्योंकि वो हाइट पे था, और हाइट का एडवांटेज उसको मिलता, अगर उसने मुझे थोड़ा सा भी डैमेज करता मैं उसको तो वो ऊपर से मारता, तो ऐसा चांस रहता है कि मुझको हेड लग जाता। और पीछे से यहाँ पे उतने टाइम में किसी ने फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, बट जल्दी से अगर आप स्किल आपका अच्छा है, लेवल आपका अच्छा है, और आपको थोड़ा सा भी आपका मूवमेंट स्पीड अच्छा है, तो कुछ इसी टाइप से हो सकता है आपके साथ, तो आप बच सकते हो, ठीक है। बट अगर आपके मूवमेंट स्पीड अच्छा नहीं रहता तो आपको बंदा मार लेता आराम से, और उसने गलती किया मार के, क्योंकि अब मैं हाइट पे हूँ तो हेड लगने का चांस मेरा ज़्यादा रहता है, बट VSS है मेरे पास तो हेड लगने का चांस बहुत ही कम है। बट इसका जो हमारा गाइस VSS में न्यू अटैचमेंट आया है ना, बहुत ही ज़्यादा OP है। देखो सामने से बंदा जा रहा है, मैं उसको सिर्फ कुछ शॉट मारूंगा, 6 से 7 MO फायर किया और जो काम था बाकी उसका, साइड के जो छोटे छोटे अपने बंच में निकलते हैं उसके डैमेज उसने कर दिया। और उसके बाद गाइस देखो मैंने जोन प्रिडिक्शन किया था, तो मैं वहाँ पर जाके बैठूँगा जहाँ पर मैंने जोन प्रिडिक्शन किया था, मैं वहाँ पर अभी जाके बैठने वाला हूँ, ठीक है। सो उससे पहले गाइस आपको दूर से देख लेना है कि बंदे तो है नहीं आसपास, अगर होंगे तो आपको भी डैमेज हो सकता है, और क्या पता है एक आध हिट लगे तो आपका मतलब ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाओ आप। तो उससे अच्छा से आपको देख लेना है कि जोन पे जहां आप जा रहे हो सामने स्कोप कर करके। सो उसके बाद गाइस देख लेना आप चारों तरफ अच्छे से कि कहाँ जहाँ आप जाने वाले हो, जहाँ आप कैंपिंग करने वाले हो वहाँ पर तो कोई एनिमी हो या ना हो। उसके बाद जो फोर्थ नंबर का पॉइंट आता है वो हमारा होता है कैंपिंग या सर्वाइविंग, ठीक है।
सो अभी आपको कैंपिंग करना है किसी एक जगह पे। जोन प्रिडिक्शन तो आपका हो गया और जोन भी एकदम सही से आ चुका होगा अभी तक। तो अगर आपका जोन प्रिडिक्शन सही है तो आप वहाँ पे आके कैंपिंग कर रहे हैं। कैंपिंग के लिए गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लैंड माइन हो, और हो तो ऐसे जगह पे लगा दो जहाँ पे किसी भी बंदे को ना मतलब उसका अंदाजा ना हो, ठीक है। तो देखो मैं पहले पीछे लगाने वाला था बट मैं यहाँ लगा दिया एक, उसके बाद अगर वहाँ से वो फोड़ देता है लैंडमाइन तो यहाँ पे आके शायद उसका एलिमिनेट हो जाए बंदा, तो यहाँ पे मैं एक और लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ्री के किल्स मिल सकते हैं इस टाइप का अगर लैंडमाइन आप लगाते हो तो। और उसके बाद आपको एक जगह बैट पकड़ लेना है, मतलब कोई भी चारों तरफ देख लेना है पहले कि कोई आसपास तो नहीं है, और ईयरफोन अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छा। उसके बाद आपको एक जगह मतलब ना पोजीशन लेके आपको बैठ जाना है ताकि आपको चारों तरफ से कवर में हो जाओ और एक जगह आप इजीली कहीं भी मार सकते हो। सो जोन प्रिडिक्शन किया था और जोन एकदम सही आया, देख सकते हो इस टाइप से कुछ एकदम सेंटर में आया। उसके बाद अभी देख सकते हो हम अभी एक और जोन प्रिडिक्शन करेंगे, और वहाँ पे मार्क तो नहीं किया मैंने बट मुझे पता था कि इधर ही आएगा लास्ट तक जोन, तो ऐसा लग रहा था कि यहीं पे आएगा क्योंकि ये जो येलो वाला जो आता है अपना ड्रोन वो वहीं पे आता है जहाँ पे नेक्स्ट जोन बनने वाला होता है। तो कुछ इस टाइप से आया था येल्लो वाला, तो मुझे लगा कि यहीं पर होगा जोन। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा देर कैंपिंग किया और एक जगह पे होल्ड कर लिया, मतलब एक जगह पोजीशन बना के बैठ गया और जोन को देखते रहा। और थोड़ा सा जूम करके रखा करो जब, क्योंकि बाहर का जो पार्ट है जिधर जोन आ चुका है उसका आपको कोई यूज़ नहीं है। तो आप अपने आसपास के एरिया को ज़्यादा गौर से देखने के लिए थोड़ा सा जोन प्रिडिक्शन मतलब जूम करके रख सकते हो अपने मैप को, ठीक है। सो यहाँ पे लड़ाई हो रहा था नीचे दो बंदों का, और यहाँ पे वो बंदा ऊपर आने के कारण गाइस देखो लैंड माइन से उसका डैमेज हुआ था, पूरा डैमेज वो लैंड माइन से हो गया था। बस दो गोली मुझे मारना पड़ा MP40 से आके। तो ये बहुत ही बढ़िया फ्री का किल मिल गया मुझे, दो किल हो गया इसी के साथ मेरे। और फिर से मैं अभी वहीं पे सरवाइव करूंगा जहाँ पे मैं कर रहा था, और आपको भी ऐसा ही खेलना है देख सकते हो, एकदम इजी रहना है आपको, कॉन्फिडेंस रहना। और यहाँ पे फ्री का किल मिलेगा, देखो थोड़ा सा टावर पे गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है टावर पे क्योंकि एम नहीं जाता वहाँ तक, तो उसके लिए जूम इन जूम आउट का यूज़ करना पड़ता है, साथ में ड्रैग भी अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छा बात है, ठीक है। तो तीन किल हो चुके हैं यहाँ पे मुझे, दो फ्री का किल मिल चुका है, एक लैंड माइन का और एक यहाँ पे टावर का थर्ड पार्टी पे। उसके बाद गाइज देख सकते हो जोन प्रिडिक्शन जो मेरा हुआ है बहुत ही अभी तक बहुत ही सही चल रहा है। और अगर आपको जोन प्रिडिक्शन आता है तो मैं बोला था जैसे 50% आपका काम वहीं पे हो जाता है, तो जोन प्रिडिक्शन के कारण देखो 50% काम मेरा वहीं पे हो गया। अभी मेरे पास कोई आ नहीं सकता, और आएगा तो मारा जाएगा क्योंकि लैंड माइन वगैरह भी मैंने लगा के रखे हुए हैं। और बहुत ही अच्छा मतलब गेम चल रहा है अभी तक, तीन किल्स हो चुके हैं, फ्री के किल्स हो सभी के सभी, और इजी किल थे एकदम, कोई ज़्यादा फाइट नहीं हुआ, एकदम ज़्यादा आपका रस ऊपर आपके ऊपर रस नहीं हो रहा है। तो बस आपको ऐसे ही करना है और जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे चारों तरफ आपको घूम घूम के देखते रहना है, और ट्राई करना कि कहीं ऊपर वाले जगह पे बैठो कि नीचे से कोई बंदा अगर आपके पास आए और रस करे तो आप सेफ रहो एक साइड से, और उसको हेड लेने के चांसेस ज़्यादा रहे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा तीन किल हो चुका है, 11 बंदे अभी भी अलाइव है, और यहाँ पे 9 बंदे अलाइव है, और सामने से एक बंदा भागते हुए आया। तो ये भी सब फ्री का किल होता है देख सकते हो, आप आराम से उसको डैमेज करेंगे। और थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए आपको गेम के बारे में कि कब रश करना है, कब ग्लू वॉल तोड़ना है, कब क्या करना है, कब आपको हील करना है, कब भागना है, ये सब नॉलेज होना चाहिए तभी आपका मतलब अच्छे से खेल पाओगे। जैसे कि देख सकते हो वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज था तो मुझे ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा, और यहाँ पे फ्री में एक और किल मिल गया, ज़्यादा फाइट भी नहीं हुआ, ज़्यादा आपको डरने का बात भी नहीं था, यहाँ पे बहुत ही इजी फ्री का किल मिला। उसके बाद अभी बात करते हैं, फिर से आगे चलते हैं, और थोड़ा सा जोन छोटा होने के बाद देख सकते हो यहाँ पे और एक बंदा नीचे से आया, और शायद वो आके सीधा एलसेप में घुस गया है, मुझे लग रहा है कि एलसेप में चला गया वो। तो अभी मैं फिर से जोन को ना एक बार छोटा करके मतलब बड़ा करके देख लूँगा, ठीक है, क्योंकि छोटे जगह में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो देख सकते हो मेरे पास अभी भी जोन है, और जैसे मैंने प्रिडिक्शन किया था कि जोन का, सो अभी भी मेरे पास जोन है वहाँ पे देख सकते हो, घर पे मेरे पास छोटा सा अभी भी जोन रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ पॉइंट है कि फ्री का किल्स और थर्ड पार्टी कभी भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो एक तरह से फ्री का किल है, बंदा सामने वाले घर पे है और अभी भी उसको डैमेज हो रहा है, और अभी वो स्टिल नीचे आता है तब तक वो बहुत डैमेज हो जा रहता है, कुछ मेरा डैमेज और कुछ ये हमारा न्यू अटैचमेंट का डैमेज, और बहुत ही बढ़िया फ्री में किल और मिल गया। बस मैंने उसको लूट नहीं पाया, बस यही प्रॉब्लम था। और लास्ट का किल ये देख सकते हो गाइस, तीन बंदे बचे हैं और मतलब चार का लड़ाई हो रहा था, तो फिर से मैंने थर्ड पार्टी करने का कोशिश किया, और यहाँ पे एक बंदा और ये भी ख़त्म हमारे VSS के कमाल के अटैचमेंट के कारण। और वो वाला बंदा गाइस एलिमिनेट हो जाता है यार, पता नहीं करना क्या चाहता था, वो जोन पे ही रुक जाता है वहाँ पे आने के बाद, वो आगे ही नहीं आता। और यहाँ पे मेरे पास लैंड माइन मतलब
मेरे पास स्टन ग्रेनेड आ चुका था, तो मैं पीछे जोन पे गया और मुझे लग रहा था कि वो मुझे मारेगा तब तक आके, बट उसने मारा नहीं और वो जोन पे ही रुक जाता और इजी बुझा हो जाता है मेरा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो जैसे मारने का ट्राई करता हूँ, इलिमिनेट हो जाता है और एकदम आराम से मुझे बूया मिल जाता है। तो आप भी ऐसे खेल सकते हो, बस आपको जोन प्रिडिक्शन आना चाहिए, थोड़ा सा लूट करो, जोन प्रिडिक्ट जोन पे जाके बैठ जाओ, फ्री के स्किल्स उठा लो और इजीली बूया कर लो। और गाइस एकदम इजी बूया हो गया था। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।